अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ से खुशामदीद। मैं बजुल आज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज अजीब सी जगह पे आया हूँ। यूनिवर्सिटी फेस्ट हुई है, लेकिन आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा कि जो आप में से कोई भी नहीं जानता, और जान के हैरत अंगेज़ होंगे आप लोग। और ये जो जगह है, ये पहाड़ नुमासी जगह, ये वाली जो जगह है, ये आप देख रहे होंगे। आपको मैं विज़िट भी करवा दूंगा कि ये वाली जो जगह है, ये न्यू सिटी फेज़ टू के एम ब्लॉक में पाई जाती है, और ये काफ़ी बड़ी जगह है। और लेकिन इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या सीन है, और ये कटिंग क्यों नहीं हुई हुई। इसके ऊपर एक घर सा भी बना हुआ है इसकी जगह। तो ये वाली जो जगह है, ये बेसिकली न्यू सिटी फेज़ टू में एक बंदा था, यानी कि न्यू सिटी फेज़ टू ने ये जगह परचेज करनी थी। तो सारे लोगों ने ज़मीन सेल कर दी, लेकिन ये जो बंदा था, इसने कहा कि भाई ये जगह मैं सेल नहीं करता। तो फिर उन्होंने काफ़ी मनाया, काफ़ी ऑफ़र्स दी, लेकिन वो थोड़ा सा डी टाइप का सा था। उसने कहा जी मैं जगह सेल नहीं करता। तो फिर ये पहले जो है पूरी पहाड़ी थी, यहाँ तक अब पहाड़ी थी, और फिर न्यू सिटी फेज़ टू वालों ने एग्जीबिटर को बुलाया, और शावर जो होता है जो मिट्टी उठाता है, तो फिर इन्होंने यहाँ से साइडों साइडों से उन्होंने कहा अगर आप ज़मीन जो है वो अगर आप नहीं बेचते तो अपने पास ही ज़मीन रखो। तो फिर उसने चारों तरफ से गोलाई में न्यू सिटी की जो मशीनरी थी, उसने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर दी, चारों तरफ से। ये गोलाई में है सारा, और चारों तरफ से कटिंग की। तो अब नतीजा ये है कि अब ऑनर जो है वो ऊपर जा नहीं सकता, तो ना इतनी ऊंची सीढ़ी है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सीधी है, इंक्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हो तो बंदा पैदल चला जाए, लेकिन यहाँ बंदा पैदल भी नहीं जा सकता, सीढ़ी भी नहीं है। तो अब उन्होंने कहा ठीक है आप जगह मुझे नहीं देते हो, तो बस ये साइडों से कटिंग करवाती है उन्होंने। तो आप ये देख सकते हैं अब ये जगह वैसी की वैसी है, लेकिन वो भी कहता है मैं अभी भी नहीं बेचता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अजीब सी लगी होगी। तो अगली वीडियो के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।